पे खरीदो, तो कुछ कुछ वो ये कहना चाह रहे थे कि सुबह उठो, अडानी के शेयर खरीदो, पैसे कमाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, अडानी के शेयर खरीदो, पैसे कमाओ और सो जाओ। लेकिन निभी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हालांकि मजाक में हम लोग ये बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बाजार में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है बॉस। बाजार इज नॉट, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेक मनी, जिसे कहते हैं ना। और कभी कभी हम जो है ना, हालांकि ये मजाक की बात है, बट हमें जो है ना ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि क्योंकि हम बाजार में आए हैं हम पैसा कमाएंगे ही। बुल मार्केट में जितने लोगों ने पैसा तोड़ा है ना, उतना बेयर मार्केट में नहीं तोड़ा। आप पूछ लीजिए गुरमीत से, गुरमीत मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने 2003 से साथ में एचयूएल लेके बैठा था, बिल्कुल पैसा नहीं बनाया। तो ऐसा होता है आपके साथ कि कई बार आप थोड़ा, मैं कहता हूँ मल्टी बैगर आप पिक नहीं करते, मल्टी बैगर बन जाते हैं। तो जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं, बस आपको ये देखना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कैश फ्लो कर रही है। और एक बहुत अच्छी कहावत है, आपको लॉस बुक करना चाहिए, प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। गलतियां अपनी जल्दी मानिए, हम कई बार थोड़ा ईगो में फंस जाते हैं, ईगो को साइड में रखना चाहिए मार्केट में। ठीक है कि शेयर खरीदने से पहले शेयर छोड़ने आने चाहिए, जिसको छोड़ना आ गया वो शेयर खरीदना अपने आप ही सीख जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी गुरमीत, आई वाज रीडिंग दैट कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी ऑफ इंडिया जिस तरह से और जिस पेस पे चल रहा है, जाहिर तौर पर अभी तो बात ये भी की जा रही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 70% पे भी नहीं है, प्री कोविड फेजेस पे भी नहीं है। तो क्रेडिट ग्रोथ इंडिया की, कॉर्पोरेट्स की, वो वन ऑफ द बेस्ट फेज पे आने की उम्मीद है। आप अब फर्दर जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी नए, अब जो कमिंग क्वार्टर होगा, गोइंग फर्दर होगा, किस तरह की एक्सपेक्टेशन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रख रहे हैं? तो मुझे लगता है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आपको अपग्रेड्स मिलेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि बैलेंस शीट क्लीन अप हो गई है। तो एक तो बैंक्स की एनआईए ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। आप देखिए, बैंक क्रेडिट 15% है, तो कुछ अच्छे बैंक्स आपको 20% क्रेडिट ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। उसके साथ साथ आपका निम थोड़ा सा बढ़ेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक्स के निम इनिशियल फेसेस में एक्सपैंड होता है, स्पेशली बैंक्स जिनका कासा रेशियो बहुत अच्छा है। तीसरा, आपका क्रेडिट कॉस्ट नीचे रहेगा, क्योंकि हम एक दूसरी साइकिल में आ रहे हैं, तो आपको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें कन्वर्ज होगी तो नंबर्स आपके बैंक्स के बहुत अच्छे आएंगे। ट्रेजरी भी आपको, जो यील्ड्स काफी स्टेबल हो गई, और इंडिया का अगर बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो जाता है तो हमें और सॉफ्टनिंग 10-ईयर बॉन्ड में देखने को मिल सकती है। तो तीनों चारों फैक्टर बैंक्स के जो है एक साथ आ रहे हैं। और आप एक, मैं व्यूअर्स को बोलूंगा, एक आईसीआईसीआई की बहुत अच्छी एनुअल रिपोर्ट है, फ्रॉम बैंक टू बैंक टेक, कैसे बैंक से बैंक टेक बन रहा है और क्या होने वाला है अगले 3-4 साल में। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, वो बात करता है कि कैसे जीडीपी का जो अगला लेग है, जो 3 ट्रिलियन में ग्रोथ आई है, अगले 2 ट्रिलियन में कहाँ कहाँ ग्रोथ आएगी, नॉलेज में, आईपी में, इनोवेशन में, डिजिटल में। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। फिर हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इंडिया का जो मूवमेंट हो रहा है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, वो हमें लगता है उससे मार्जिन भी बढ़ेगा और इंडिया का फोकस भी बढ़ेगा। मुझे लगता है मोबाइल फोन्स और कुछ कुछ एक कंपोनेंट्स में काफी अच्छा शेयर इंडिया को देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत हमें, मैंने आप कवर केमिकल्स में भी देखने को मिल रहा है, तो जो चाइना प्लस वन था वो शायद ग्लोब प्लस वन होता जा रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप प्लस वन एंड अदर अदर कंट्रीज वन। तो इन सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आईटी में मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, कमोडिटीज और एनर्जी में मॉडरेशन देखने को मिल सकता है। बट अगले साल का जो लगभग 1000 का ईपीएस है, आई थिंक लगभग बरकरार रहना चाहिए, 10-20 रुपए। ये मिड कैप